तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संवाद करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी ओर किसान आंदोलन लगातार जारी है और जो किसान हैं वो सरकार से आर पार के मोड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसान लगातार सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं सरकार उनको वापस ले। और अब किसानों ने ये ऐलान किया है कि वो वरिष्ठ वकीलों से सलाह लेंगे और वकीलों की सलाह लेने के बाद ही अगला कदम उठाएंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि वे कोलीन गोंसाल्विज, एचएस फुलका, दुष्यंत दवे और प्रशांत भूषण समेत तमाम वरिष्ठ वकीलों से सलाह मशविरा करने के बाद ही अब कोई अगला कदम उठाएंगे। किसान नेताओं ने ये बात सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद कही है जिसमें शीर्ष अदालत ने कृषि विशेषज्ञ और किसान यूनियनों की मौजूदगी वाले निष्पक्ष और स्वतंत्र समिति गठित करने पर विचार करने की बात कही थी। शीर्ष अदालत ने यह प्रस्ताव नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों और केंद्र सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने के लिए रखा है। आंदोलनरत किसान नेताओं ने शीर्ष अदालत की तरफ से किसानों को अहिंसक प्रदर्शन का अधिकार होने की बात माने जाने की प्रशंसा की है, लेकिन साथ ही कहा है कि उनका आंदोलन एक ठोस हल मिलने तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर सभा के नेता अभिमन्यु कोहार ने कहा कि वे शुक्रवार को वरिष्ठ वकीलों से मिलेंगे और सलाह लेंगे कि क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रही करीब 40 किसान यूनियनों के संयुक्त किसान मोर्चा को सुप्रीम कोर्ट से कोई नोटिस नहीं मिला है। साथ ही कहा कि वो इस मामले पर अदालत के फैसले की प्रति देखने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता धर्मपाल मलिक ने कहा, यूनियन ने एक तकनीकी टीम गठित की है, पहले केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो विवादित कृषि कानूनों को स्थगित करना चाहती है। उन्होंने कहा, हम पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ेंगे और हमारे वकीलों से सलाह लेंगे, जिसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। तो किसान अब क्या अगला कदम उठाएंगे वो देखने वाली बात होगी, और जब वो वरिष्ठ वकीलों के साथ सलाह मशवरा करेंगे तो उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, क्या अब किसानों का अगला कदम क्या होगा, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि क्योंकि अब जो किसान अगला कदम उठाएंगे उस पर इस समस्या के समाधान का बहुत किसानों को पहल करने की जरूरत है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि किसान अगला कदम क्या उठाते हैं, क्योंकि जो पूरी बातचीत का आधार है वो उस एक कदम पर जरूर निर्भर करेगा। और आपको बता दें कि क्या किसान पीछे हटेगा या फिर सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की मंशा देखकर तो साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लेने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो संशोधन के मुद्दे पर, संशोधन के मसले पर किसानों को मनाने में कामयाब हो जाए और किसान कानून में संशोधन की बात को मान ले, लेकिन क्या किसान मानेंगे। और अब जो ये लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहेगा, किसान अगला कदम क्या उठाएंगे और सरकार उस कदम को किस तरह से देखेगी, किस तरह से किसानों को मना पाएगी या फिर नहीं मना पाएगी, और दिल्ली में किसानों का धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, इन तमाम बिंदुओं पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।